लुक की बात की थी आपका, ये जो लुक है वो काफी हैप्पी सा लग रहा है। हाँ, सिमर थी उसे हम आंसू भी देखे इस वाली से। सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई हैव गॉट अ न्यू लुक एंड ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग फ्रेशनेस आ रही है। सो आई होप मेरे ऑडियंस को भी अच्छा लगे। क्या चेंजेस आए, कुछ कहना चाहेंगे, कितने इनपुट्स आपके रहे? काफ़ी कुछ मेरा रहा है एक्चुअली। द बेस्ट पार्ट वॉज आई थिंक ये लुक चेंज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए रहा है क्योंकि जब पहली बार स्टाइलिस्ट ने और मैंने रेफरेंसेज एक्सचेंज किए तो कोइंसिडेंटली दे वर एग्जैक्टली द सेम पिक्चर्स दैट वी एक्सचेंज, एग्जैक्टली द सेम पिक्चर्स। सो आई वॉज सो ऑन द सेम पेज कि मुझे इस तरह का कॉर्सेट टाइप का ब्लाउज चाहिए, ऐसे तरह का चाहिए और प्लेन साड़ीज चाहिए, एंड शी वॉज ऑल्सो ऑन द सेम पेज। सो आई थिंक दैट्स वाई इट्स अ म्यूचुअल थिंग जो हम दोनों ने ऑलमोस्ट सब कुछ एक साथ डिसाइड किया। मैं हमेशा यही कहती हूँ फैंस को, हमेशा ये कहती हूँ कि थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोग इतना सारा प्यार हमें देते हैं और इतना हमारे शो में इतने हाई ड्रामेटिक एंड्स आते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं वो हमें समझ में आ जाएगा तो हम जल्दी से बदल लेते हैं। सो जस्ट वेट, द नेक्स्ट ट्रैक इज़ समथिंग रियली एक्सपेरिमेंटल एंड समथिंग रियली एक्साइटिंग। सो हमें भी उस ट्रैक के बारे में सुनकर जानकर थोड़ा ऐसे एक्साइटमेंट हो रही है। सो आई होप यू ऑल लाइक इट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।